आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु, जिनके परिवार में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, और वो झगड़े उनके घर में इतने बढ़ चुके हैं प्रभु कि जब उनके परिवार टूटने पर है मेरे पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु ये परिवार के झगड़े यीशु के नाम से चले जाए मेरे प्रभु, उनके जीवन से प्रभु वो हर कलेश निकल जाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आप उन जो घर टूट रहे हैं मेरे प्रभु, उन घर को टूटने न दे प्रभु, उन घर को आप जोड़े मेरे पिता परमेश्वर, उन घरों में प्रभु मेल मिलाप का आत्मा दे प्रभु, और पिता वहां पर आप कार्य करिए पिता। हस्बैंड के बीच में, वाइफ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है मेरे प्रभु, आप उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें प्रभु जी, जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रभु, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उनका रिश्ता टूट रहा है प्रभु, आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, आप उन लोगों की मदद करें मेरे प्रभु, आप अनुग्रह करें, उन्हें प्रेम दे। आज हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, जो अपनी प्रभु टेंशन में है प्रभु, फ्रस्ट्रेट है प्रभु जी, डिप्रेशन में है प्रभु पिता, वो हर एक टेंशन, वो हर एक फ्रस्ट्रेशन, हर एक डिप्रेशन यीशु के नाम से प्रभु वो चला जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु इन सारी गलत बातों को उनके जीवन से दूर कर दीजिए प्रभु, जो आज प्रभु बहुत डिप्रेस है प्रभु, और प्रभु अपनी फ्रस्ट्रेशनों में है प्रभु पिता, टेंशन ले लेके प्रभु उन्होंने अपने जीवन कम कर दिया है प्रभु, होने दे प्रभु उनके जीवन में प्रभु, आप प्रभु इन सारी बातों को दूर करें मेरे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु उन लोगों पर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में आप अपनी शांति को प्रभु इन लोगों पर उंडेले मेरे पिता, अपनी दया करुणा को अपने इन लोगों पर उंडेले प्रभु जी। आज हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता प्रभु, जिन्हें सब धुतकारते हैं प्रभु, जिन्हें सब कोसते हैं प्रभु, जिन्हें सब अपशगुनी मानते हैं प्रभु पिता। सच में प्रभु आपने प्रभु उन लोगों पर दया की है, आपने उन लोगों को प्यार किया है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ पिता परमेश्वर। आज उन लोगों के टूटे मनों को प्रभु आप जोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सारी चिंताएं प्रभु हमें आपके ऊपर डालती हूँ प्रभु, आप उनकी सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, आप उन लोगों पर दया करें प्रभु, और जो लोग अपने आप को प्रभु अकेला महसूस करते हैं प्रभु, अपने अकेलेपन में है मेरे प्रभु जी, प्रभु सच में वो अकेलापन प्रभु आप उनका दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु कई लोग बोलते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ प्रभु। आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ प्रभु, आप प्रभु उनके मित्र हैं, आप उनके साथी हैं पिता, आप उनके साथ में होइए प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर करें यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग कर्ज से दबे हैं प्रभु, जो लोग कर्जा दे दे के परेशान हो गए हैं प्रभु, और पिता कर्जदार उनके घरों में आ रहे हैं प्रभु, उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें कोस रहे हैं प्रभु, आज उनके कर्जे को आप अपने स्वर्गीय भंडार से चुका दीजिए प्रभु। आप यहोवा यीरे हैं प्रभु, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी सफल नहीं हो पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके जीवन में कोई भी सफलता नहीं है मेरे प्रभु, आप प्रभु जी उन्हें सफल करिए प्रभु, उनके कामों को सफल करिए प्रभु, जो प्रभु हताश हो गए हैं प्रभु अपनी सफलता के लिए प्रभु, आप उन्हें सफल कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आज निराशा में है प्रभु, आप उन निराशा को दूर कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, निराशा यीशु के नाम से लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, जो भटक रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन आप है परमेश्वर पिता। उससे दुआ करते हैं प्रभु, जो फाइनेंशियली परेशान है प्रभु, आप फाइनेंस की व्यवस्था उन लोगों के लिए करें प्रभु। जो दुखी है मेरे प्रभु, उनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए मेरे पिता। आज प्रभु इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि ये सारी परेशानियां प्रभु आपने लोगों के जीवन से दूर कर दी है मेरे पिता। हम सारी बातों के आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सब कुछ जो हमने प्रार्थना में मांगा है पूरा किया प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।